फुल आ चुका है हमारा ये रोस्टेड। हेलो, सो आज की सिंपल रेसिपी है भट्ट की चुटकानी। वेलकम बैक फॉर अनदर एपिसोड ऑफ संडे लंच सीरीज। भट्ट की चुटकानी, संडे है और आप भट्ट ना बनाओ तो क्या संडे है। लोहे की कढ़ाई और सरसों का तेल, दैट्स इट, ये आपके बेस इंग्रेडिएंट हैं। भट्ट को थोड़ा साफ़ करते हुए सरसों में भट्ट को भूनना है, पहला स्टेप। और जब तक भट्ट के वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ की आवाज़ ना आए तब तक आपको अपने भट्ट को भूनना है। चुटकानी से एक बहुत पुराना रिश्ता है एक्चुअली, लेकिन उसकी बात करेंगे हाफ वे ऑफ द वीडियो। वीडियो में बहुत सारे पहाड़ी स्पाइसेस, बहुत सारे स्पाइसेस का यूज़ नहीं किया है। ब्लैक पेपर, तिमूर और जीरा, दैट्स इट। सिर्फ ये तीन मेरे एक बेस मसाले हैं इस चुटकानी के लिए। और उसको आप एक दरदरी कंसिस्टेंसी में, आधी प्याज जो आप भून रहे हो सेम तेल में, आधी प्याज में अपने दरदरे मसाले भून लीजिए। तो इसमें टमाटर, इसमें कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, मतलब इसमें कोई भी फैंसी मसालों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि आपका बेस करी होगा, हल्दी थोड़ी बहुत, आधा चम्मच से भी कम, एक पिंच हल्दी, और अगर आपका मन है तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए, लेकिन आपने खड़े मसाले कूट लिए हैं तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मसाले भून के अच्छे से वो एक गोल्डन कलर आने तक मसाले को फ्राई करना है। और उसके बाद जो स्टोरी है कि बहुत से लोग अलग तरीके से मसाले बनाते हैं, बहुत से लोग चुटकानी को टमाटर में एक प्रॉपर नॉर्थ इंडियन ग्रेवी, बेस ग्रेवी बना के करते हैं, लेकिन सही बात तो है कि पहाड़ में सिंपल खाना जो कि बहुत ही इंट्रिकेट होता है वैसा बनता है। पहाड़ में ये टमाटर, प्याज, ये पाउडर, ये सब नहीं होता है। ये बहुत पुराने टाइम की बात है जब बेसिक प्याज भी, इनफैक्ट मैं अपना एडिशन डाल रही हूँ, बट प्याज भी, मेरी मॉम तो प्याज भी यूज़ नहीं करती है, सिर्फ अदरक लहसुन के पेस्ट में। तो इससे सिंपलर आई थिंक और ऑथेंटिक डिश मैंने नहीं देखी है ऑनलाइन कहीं भी। मैं जहाँ भी देखती हूँ वहाँ पर मुझे बस वो सेम एक बेस ग्रेवी नॉर्थ इंडियन की और उस पर चुटकानी को फ्राई करते हैं। पहाड़ में भी बहुत तरीके हैं, बहुत जगहें हैं जहाँ लोग बनाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये मेरे गांव की ऑथेंटिक डिश है। और ये रहा मेरा सेटअप, मेरे पास अभी कोई ट्राईपॉड या कोई सेटअप नहीं है, तो इट्स अ वेरी किचन जुगाड़ सेटअप जिसके साथ मेरा काम चल रहा है। आई हैव नो इशू, एंड लुक एट द ब्यूटिफुल बॉयल, इट्स कमिंग। तो ये टाइम है भट्ट को आपके मसाले पे डालना है। आई थिंक कमिंग आउट वेरी ब्यूटीफुल। 5 मिनट, आई थिंक 3 से 4 मिनट आपको फ्राई करना है अपने मसालों में भट्ट को, थोड़ा एक कच्चापन दूर करने के लिए, भट्ट से भी और मसाले और भट्ट जो है वो मिक्स हो जाए उस हिसाब से। जब आप अपने भट्ट को फ्राई करेंगे आप देखेंगे कि एक कलर या तेल थोड़ा छोड़ रहा है। तो टाइम है पानी डालने का। पानी की मात्रा में कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भट्ट बनने का एक सिंपल इंग्रेडिएंट है पानी और टाइम। इसको करीबन आधा घंटा लगता है प्रॉपरली उबलने में, अपनी कंसिस्टेंसी में आने में। और जब तक आप इसमें पानी की मात्रा बढ़ाएंगे नहीं, आपके मसाले और आपका भट्ट उस फ्लेवर पे नहीं आएगा जिस पे पहाड़ी लोग खाना पसंद करते हैं। मेरी किचन की खूबसूरती में दिखाते हुए, तो ये आपका चावल का या गेहूं के आटे से आप थिक करते हो, बिस्वार डालते हो, ये इसका एक और की इंग्रेडिएंट है जो इसे थोड़ा सा गाढ़ा करता है। जैसे हम हर एक चीज़ में बिस्वार डालते हैं, सिंपल उस तरीके से 1 चम्मच से लेके 3 चम्मच तक आप आटा ले सकते हो। थोड़ा चलाना है जब तक कि वो बिस्वार नीचे लगे ना, क्योंकि अगर वो बिस्वार नीचे लगने लग गया तो इश्यू आ जाएगा, अदरवाइज़ तो सब ठीक है। आप उसे चलाइए आराम से, और तब तक चलाइए जब तक एक पहला उबाल ना आ जाए। तो जब तक आपकी चुड़कानी उबल रही है, मेरे पास एक स्टोरी है। बचपन में चुड़कानी के नाम से हम दूर भागते थे, बिल्कुल पसंद नहीं थी संडे को, क्यों बनाती थी मम्मी, ऐसा फील होता था। लेकिन फिर आई रियलाइज़ कि
बहुत मतलब एक होता है ना आपका पुरानी यादें और नॉस्टैल्जिया जब आप कॉलेज में चले जाते हो उसके बाद ही लगता है कि हाँ ये मैं मिस कर रही हूँ, ये संडे का चुटकानी भात मुझे याद आ रहा है। तो मैंने भी इसे बनाना शुरू किया अपने हिसाब से, मतलब सिर्फ उस मेमोरी और उस फ्लेवर से मुझे इंग्रेडिएंट्स याद थे। मैंने कभी मम्मी से पूछा नहीं कि इसे कैसे बनाए जाए, ऐसे कैसे पकाया जाए। वो एक फ्लेवर और एक वो इंग्रेडिएंट की जो मेमोरी है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि मैं अपने एंड रिजल्ट पे आ गई। मैंने अपनी चुटकारी बनाई और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। इतनी मेहनत जाती है इतनी सिंपल डिश में जिसमें हार्डली 5 इंग्रेडिएंट है। लोग अपने तरीके से बनाते हैं, फैंटिसाइज करते हैं, लेकिन दैट्स इट। नाउ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है सेकवा। इसका और घी का बघार बहुत ज़रूरी है। चुड़कानी में सरसों के तेल में बनाई जाती है और भगार घी का दिया जाता है टेम्परिंग। ये पहाड़ी एक जड़ी बूटी या एक स्पाइस है जो सिर्फ मेरे रीजन में मिलती है, धारचूला उत्तराखंड या फिर फुट हिल्स ऑफ हिमालय बोल सकते हो। खूबसूरत तड़का और आपकी चुड़कानी डन। ये तो सबको करना है, हर हाउस होल्ड में ये करना जरूरी है, बच ना जाए बस कुछ घी। सर्विंग बहुत हम्बल है, इट्स द मोस्ट हम्बल सर्विंग। अपनी थाली भैया स्टील की थाली, कटी हुई प्याज, अपने चावल और भर भर के चुड़कानी। ये कलर जो है ना ये ही इसकी जान है। अगर ये कलर आ गया है ना, ये ब्लैकिश लोहे की कढ़ाई वाला रंग, आप सही जगह पे हैं। और हम धूप में खाते हैं पहाड़ों में, हमारा ये एक सिंबल है ऑफ विंटर्स। खाना धूप में खाया जाएगा और बस शो ऑफ करते हुए अपने खाने को एक प्यारी बालकनी में। आप भी ट्राई करिए।